शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शान्तिप्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम् वेदांत वेद्यम् विभुम् रामाख्यम् जगदीश्वरम् सुरगुरुम् माया मनुषम् हरिम् वंदेहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणिं। ऊ तो हम आपको बता ही चुके हैं, अरे वही रत्नावली वाली घटना। तो बस मन में बैराग जागा तो बैरागी बन गए, सोचा कि अब बस राम जी के चलाए ही चलेंगे। भटकते भटकते पहुंच गए अयोध्या जी। दिन भर साधुओं की संगत करते, भीख मांग कर खाना खा लेते और रात को जाए के जन्मभूमि के चबूतरे पे सो जाते। एक रात देखा राम जी बाल रूप धारे घुटने के बल चलते चलते हमरे पास आके बैठ गए। मुंह में खीर लगी हुई थी। बोले, तुलसी भैया हमारी कथा ना लिखोगे? मैंने कहा, प्रभु आप भी एक दो बजरंग बलि पहले ही पीछे पड़े हुए हैं। तो कहने लगे, अंजनी कुमार को तो हमने ही बोल रखा है। मैं गिर पड़ा चरणों पर, प्रभु काहे राई के सर पे पहाड़ धर रहे हैं? तो बोले, तुम लोक भाषा में हमारी कथा लिखना आरंभ तो करो, मां सरस्वती स्वयं तुम्हारे कंठ विराजेंगी और बजरंग बलि तो है ही, तुम्हें भटकने ना देंगे। अंतर ध्यान हुए प्रभु, मैं अश्रुपूरित नेत्र लिए गा रहा था। तुलसीदास अति आनंद, तुलसीदास अति आनंद, देखी के मुखार बिंद, देखी के मुखार बिंद, रघुबर छवि के समान, रघुबर छवि के समान, रघुबर छवि के समान, रघुबर छवि बनिया ठुमकी चलत रामचंद्र, ठुमकी चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया ठुमकी चलत रामचंद्र। दूसरे ही दिन एक स्थान मिल गया। एक बूढ़े पंडित जी जो कथा नहीं कर पाते थे, उन्होंने अपना स्थान दे दिया। बजरंग बलि की कृपा से राम कथा का आयोजन हुआ। सचमुच मां सरस्वती की बड़ी कृपा हुई, वाणी में एक अद्भुत प्रवाह आ गया। बजरंग बली नित्य आते हमरी राम कथा सुनने, और मैं भी मानो खूब रस ले लेके बजरंग बली को ही कथा सुनाता। एक दिन बजरंग बली नहीं पधारे, मेरा तो मन ही ना लगा कथा बाँचने में। बूढ़े पंडित जी ने भी कहा, तुलसी भैया आज कथा में रस नहीं मिला। मैं क्या कहता, संझा में आए बजरंग बली, कहने लगे, का हुआ तुलसी भैया? मैं मौन रहा। लगता है तुलसी भैया हम पे कुपित हैं, मैंने झल्ला के कहा, आप काहे नहीं आए आज?
अरे भाई, राम जी का काम था सो करने गए थे, और हम जो कर रहे हैं वो राम जी का काम नहीं है। ठीक है भैया, कल हम पक्का आएंगे। नहीं नहीं नहीं, पहले आप वचन दीजिए। का वचन दें बोलोगे तो? वचन दीजिए कि जहां कहीं जब कहीं भी राम कथा का पाठ होगा आप वहां उपस्थित रहेंगे। बजरंग बली मुस्कुराए, बोले तथास्तु। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। राम नवमी का दिन था, भगवान शंकर राम जी और जानकी मैया को प्रणाम कर, पार्वती अम्मा, बाबा नरहरिदास, आचार्य जी, गुरुमा और बजरंग बली को नमन कर, सब देवी देवताओं को स्मरण कर, श्री राम चरित मानस का शुभारंभ किया। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मात नोति। सादर सिवहि नाई अब माथा, बरनउ बिसद राम गुन गाथा। संबत सोरह सो इकतीसा, करउ कथा हरि पद धरि सीसा। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीरथ सकल तहां चलियावही। सरयू जी की कलकल ध्वनि के साथ श्री रामचरित मानस का लेखन अबाध गति से चलने लगा। अयोध्या के पंडितों के एक वर्ग में ईर्ष्या का भाव जागा, पर मैं उसकी चिंता किए बिना ही मानस का लेखन करता रहा। बूढ़े बाबा की कुटी के चारों ओर बंदरों का झुंड दिन भर मेरे साथ खेला करता, पर ज्यों ही मैं लिखने बैठता वो सारे बंदर चारों ओर से मुझे घेर के बैठ जाते। एक दिन सुबह जागे तो देखा एक आदमी अचेत पड़ा था, बंदरों ने उसे काट खाया था। बस अयोध्या जी में प्रसिद्ध हो गया कि तुलसीदास की रामायण को चुराने के लिए ईर्ष्यालु पंडितों ने चोर को भेजा, लेकिन वानर सेना ने आक्रमण करके बचा लिया। इस घटना के बाद न जाने क्यों मेरा मन भी अयोध्या जी से उचट गया। वैसे भी रामचरितमानस का अयोध्या कांड समाप्त हो चुका था। रामलला, जानकी मैया और लखनलला वन में कष्ट भोग रहे हो, और मैं यहां अयोध्या में सुख से रहूं। बूढ़े बाबा को प्रणाम किया और चल पड़ा काशी की ओर। कहां के पथिक कहां किन्ह है गमनवा, किन्ह है गमनवा रामा, किन्ह है गमनवा। कहां के पथिक कहां किन्ह है गमनवा, किन्ह है गमनवा रामा, किन्ह है गमनवा।
धून पूछ सिया से कौन से प्रीतम कौन से देवरवा ग्राम बधून पूछ सिया से कौन से प्रीतम कौन से देवरवा सिया मुस्काई बोली मृदु बानी सिया मुस्काई बोली मृदु बानी सांवरे से प्रीतम गौर सो देवरवा कहाँ के पथिक कहाँ किन्ह है गमनवा किन्ह है गमनवा रामा किन्ह है गमनवा। काशी पहुंचा तो बाल मित्र गंगा राम का आतिथ्य स्वीकारा। वहां मिले टोडर मल जी, उन्होंने ही मेरे काशी में रहने की व्यवस्था कर दी हनुमान घाट में। बड़े स्नेही थे टोडर भाई, मुझे कोई कष्ट हो तो उसकी पीड़ा उनको अधिक होती थी। बड़े विद्वान थे, साहित्य का मरम समझते थे। एक दिन मानस के कुछ अंश पढ़कर सुना रहा था तो अभिभूत हो गए। कहने लगे, तुलसीदास जी, आपकी कविता में प्रेम और भक्ति का स्रोत मानो फूट पड़ा है, लेकिन कबीर दास जी ने जो लिखा है उससे समाज पर बड़ी गहरी चोट लगती है। मैंने कहा, टोडर भाई, कबीर दास जी जैसा महान कवि तो हुआ ही नहीं। क्या है ना, प्रत्येक कवि अपने समय, काल और परिस्थिति के अनुसार रचना करता है। कबीर बाबा ने जिस समय लिखा उस समय समाज का थोड़ा सा हिस्सा भ्रष्ट हुआ था, सो उन्होंने अपनी कविता से उसका उपचार किया। जैसे अगर किसी के शरीर पर कोई बड़ा फोड़ा हो जाए तो वैद्य उसकी चीर फाड़ करता है, वैसे ही कबीर बाबा ने भी की। लेकिन जिस काल, परिस्थिति और समय में मैं लिख रहा हूं, समाज का बहुत बड़ा हिस्सा भ्रष्ट हो चुका है। जैसे अगर किसी के पूरे शरीर पर फोड़े हो जाएं, तो फिर चीर फाड़ और मलहम से काम नहीं होता, पूरे रक्त को शुद्ध करना पड़ता है। मैं अपनी भक्ति रूपी औषधि से समाज के रक्त को शुद्ध करना चाहता हूं। हमारा एक चेला बन गया था रामू, अचानक बीच में बोल पड़ा, गुरुदेव, ये कबीर दास जी की कविता हमरे समझ में ना आवे। मैं हंस पड़ा, अरे पगले, तेरे लिए तो हम लिख रहे हैं, कबीर दास जी ने तो हमारे लिए लिखा है। मन लागो मेरो यार, फकीरी में 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 मन लागो मेरो यार, फकीरी में। धीरे धीरे काशी में हमारी एक मित्र मंडली बन गई। हमारे दोहे और चौपाई अब हमारी कुटिया से निकल के काशी की गलियन में पहुंच चुके थे। जहां प्रशंसा करने वाले थे वहीं निंदा करने वाला एक वर्ग भी था। वो कबीर बाबा ने लिखा है ना, निंदक नियरे राखिए
आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। काशी के पंडितों का एक वर्ग हमारी निंदा करता फिर रहा था कि ये तुलसिया का साहस देखो, भाखा में रामायण लिखे है ससुर। दूसरा कहता कलयुग है पंडित जी कलयुग, स्वयं को वाल्मीकि समझे है नासपिटा। हमारे कान में सब पड़ता था। राम जी मिथ्या ना बुलाए बहुत बुरा लगता था। उस दिन जब बजरंग बली आए तो मैंने कहा उनसे, अंजनी कुमार अरे काहे हम पे ये सब पत्थर बरसावत हो, हम तो बस राम जी का नेह चाहते हैं। बजरंग बली ने कहा पहाड़ देखे हो तुलसी, बरखा आती है तो उसकी बूंदें कितना आघात पहुंचाती हैं उसे, आंधी अंधड़ आते हैं तो भी अचल अटल खड़ा रहता है वो। तू चिंता जिनकर तुलसी बस पहाड़ बन जा। बूंद आघात सही गिरी कैसे, बूंद आघात सही गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। एक दिन टोडर भाई आए तो मैंने कहा टोडर भाई मेरी इच्छा है कि गांव गांव में अखाड़े और व्यायाम शालाएं बने, गांव के सब युवक किशोर व्यायाम करें बलिष्ठ बने। टोडर जी ने पूछा काहे गोस्वामी जी। मैंने कहा कभी सोचा है टोडर भाई कि भारतवर्ष के गांव पर जब कोई संकट आता है तो गांव का गांव क्यों उजाड़ हो जाता है। मैं एक ऐसे समाज की रचना करना चाहता हूं जो अपनी रक्षा आप कर सके, कोई बाढ़ आवे बीमारी आवे किसी दरिद्र की झोपड़ी उड़ जाए आंधी में तो कौन आएगा मदद करने। हर गांव में योग्य युवक हो जो बहुजन हिताय काम करें। टोडर जी ने कहा अरे तुलसीदास जी कौन करेगा ये सब संगठन। मैंने कहा टोडर भाई मैं भगवान श्री राम का भक्त हूं, धनुर्धारी राम का भक्त, कोई असुर आवे तो उसका शमन करने वाले राम का भक्त हूं मैं। मेरा बजरंगी एक हाथ में संजीवनी पर्वत उठाए है तो दूसरे हाथ में गदा भी रखे है। ये जो हमार अहिंसा है ना ये कायरन की अहिंसा है। अरे अहिंसा शोभा देती है वीर को, जैसे राजा उपवास करे तो कहलाता है उपवास, भिखारी के उपवास को उपवास नहीं कहते। टोडर जी को हमारी बात पट गई। दूसरे ही दिन आसपास के सब गांवों से युवक किशोर जमा हुए, संकल्प लिया, गांव गांव में बजरंग बली के मंदिर के साथ अखाड़े और व्यायाम शालाएं खुल गई। नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोशिय सिंधु करिया मन रोषा, कादर मन कहूं एक आधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। एक दिन काशी में यूं ही घूमते घूमते बहुत बरसों के बाद मेघा भगत जी के साथ भेंट हुई। मैंने कहा कहा भैया भुला दिहिन अपन अनुज को, तो कहने लगे अरे तोहरे ही काम तो करत है, राम जी मन में विचार दिए हैं कि ई बरस काशी जी में राम जी की लीला खेली जाए। मैंने कहा बहुत नीक सोचे हैं भैया, मुदा हम तो कहीं कि एक स्थान पे का है, अरे पूरी काशी नगरिया में राम जी की लीला हो तो लगे कि राम जी के असल भगत यहीं रहते हैं।
तो बोले, सो तो ठीक है तुलसी भैया, पर इस सब पंडतन का विरोध देख के मन में बड़ी निराशा जागे है। मैंने कहा, मेघा भगत जी, ई सब पंडतन की तो यही मनसा है कि भगवान से भगत की दूरी बनी रहे, तब ही तो इनको इनकी दलाली मिलेगी। अब हम भाखा में रामायण लिखें, आप राम जी की लीला कराओ, तो भगवान का कब्जा तो इन दुष्टन के हाथ से छूट जाए। अरे आप तो ये सब चिंता छोड़ो राम जी पे और कराओ जम के राम लीला, बाकी राम जी की लीला है वह ही संभाल लेंगे। प्रभिसी नगर की जय सब का, हृदय राखी कोसलपुर राजा। बड़ी लगन से चल रहा था श्री रामचरितमानस का लेखन। प्रतिदिन भोर भय गंगा जी में डुबकी लगाए के बजरंग बली को बिठाते पास और मनोयोग से लिखते रामचरितमानस। दुई बरस सात माह और 26 दिनों में श्री रामचरितमानस का लेखन पूर्ण हुआ, राम जी के विवाह के दिन। पुण्यम पापहरम सदाशिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोहमलापहम सुविमलम प्रेमाम्बुपूरम शुभम। श्रीमद् रामचरितमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये ते संसार पतंग घोर किरणैः दह्यन्ति नो मानवा। हमारी प्रेरणा थे भगवान शंकर। सो बाबा विश्वनाथ के मंदिर में जाए के माँ पार्वती और भगवान शंकर को रामचरितमानस सुनाए और मानस वही छोड़ाए, कहिन के प्रभो आप असीसोगे तो जग भी स्वीकारेगा। प्रातः काल देखा उस पे लिखा मिला, सत्यम शिवम सुंदरम, और बाबा विश्वनाथ की सही थी। जामवंत कह सुनु रघुराया, जापर नाथ करहु तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर सुर नर मुनि प्रसन्न ताऊ पर। श्री रामचरितमानस का लेखन पूरा हुआ तो मानो हमारा स्वप्न साकार हुआ। हमने बजरंग बली से कह दिया कि आपने प्रेरणा दी तो लिख लिया मानस, बजरंग बली अब अपनी शक्ति दे दो तो कराए दे जम के रामलीला। भिड़ गए हम मेघा भगत जी के साथ रामलीला की तैयारी में। हमारे विरोधी पंडतन का क्रोध भी गुदगुदा रहा था। हमका अंदेशा रहा कि हमरी रामलीला के पहले ई सब विरोधी पंडतन की लीला जरूर होई। दशहरे की नवरात्र का पहला दिन रामलीला के सारे पात्रों को तैयार कर रहे थे श्रृंगार कक्ष में मेघा भगत जी। मैं टोडर भाई और अन्य युवकों के साथ बाहर की व्यवस्था देख रहा था कि तभी 10-12 युवकों का एक दल आया। उनका मुखिया था मेरे सहपाठी बटेसर का बिटुआ। आपसे तनिक बात करनी है। मैंने कहा, कहिए। आप का समझते हैं अपने आप को, राम जी की लीला कराएंगे यहां? दूसरा बोला,
भाखा में न जाने का अंड बंड लिखा है भगवान जी के बारे में। तीसरे ने कहा, अरे ऐसन भ्रष्ट पाखंडियों को तो मार मार के भगाना चाहिए काशी से। चौथा स्वर बड़ा उजड्ड था, बंद कराओ अपनी लीला फीला और जलाओ अपनी रामायण भई, नहीं तो भुरकस बनाए के बहाए देंगे तुहार खुपड़िया गंगा जी में। हो हल्ला सुन के टोडर भाई दौड़ते हुए बाहर आ गए, साथ ही आए अन्य युवक भी। का हुआ गोस्वामी जी? मैंने कहा कुछ नहीं, रामू वहीं खड़ा सब देख रहा था। बोल पड़ा, अरे टोडर भैया, ये सब लड़का हमारे गुसाई जी को गरिया रहे थे। मैं मुस्कुराया, तो टोडर जी ने तो आपा ही खो दिया। इतना साहस आप लोगों का? गोस्वामी तुलसीदास को अपशब्द कह रहे थे आप लोग? अगर असली पंडितन की संतान हो तो आप बोल के दिखाओ। और आप भी गोस्वामी जी विचित्र हैं, इतना अपमान होने के बाद भी चुपचाप मुस्कुरा रहे हैं। मैंने कहा, टोडर भाई, अगर इस बूढ़े को अपशब्द कह करके इन बच्चों को सुख मिलता है तो सुख लेने दें, इनका विरोध करके इनका सुख मत छीनिए। अरे ये भी तो राम जी की प्रजा है। चलिए चलिए, रामलीला आरंभ करने का समय हो गया। मैं सबको लेकर चल पड़ा मंच की ओर, तभी पीछे से एक असभ्य स्वर सुनाई दिया, अरे पाखंडी, देव भाषा तो आती नहीं, भाखा में होशियारी दिखा रहा है। मैं मन ही मन कहने लगा, प्रभो तुम्हारा वर्णन भाखा में तो क्या, देव भाषा संस्कृत में भी कोई नहीं कर सकता। मंच पर से पट हटा। मेघा भगत जी ने घोषणा की, आज रामलीला का शुभारंभ हो उसके पूर्व महाकवि गोस्वामी तुलसीदास मंगलाचरण करेंगे। बड़े भाई का आदेश, अभी अभी हुआ अपमान, रामलीला आरंभ होने का आनंद। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अलौकिक तेज, उनका दिव्य स्वरूप मेरी आत्मा में समा गया। नयन मुंदे, हृदय में असीम आनंद, झरझर बहती अश्रुधारा और वाणी में राम रस घुलने लगा। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। अगले 9 दिनों तक तो मानो मेला लगा रहा। आसपास के सारे राम भक्त काशी में जमा हो गए, पूरी काशी नगरी राममय हो गई। बहुत सुख मिला मन को, बहुत दिनन के बाद
तुलसी की झोली भगवान ने आनंद से भर दी। एक दिन कुटिया में बैठे कुछ लिख रहे थे, तीसरा पहर होगा, तभी एक परिचित सा स्वर सुनाई दिया, तुलसी भैया, ओ तुलसी भैया। हम समझ गए राजापुर से राजा भगत जी पधारे हैं। हम गए अगवानी करने, गले मिले दोनों भाई, लेकिन राजा के मुंह से कोई बात ही नहीं निकल रही थी। मैंने कहा, का हुआ भैया, सब कुशल मंगल तो है? राजा फूट फूट के रो पड़ा, तुलसी भैया, तोहार बिटुआ तारापति को राम जी बुलाए लिए अपने पास, मुझ पर तो मानो वज्रपात हुआ, कटे हुए ठूंठ की तरह गिर पड़ा। वैराग्य लिया था पर अपने देह के अंश के राम विलीन होने का समाचार असह्य वेदना दे गया। मुख से मानस का एक दोहा स्फुट स्वरों में फूट पड़ा, सुनहुं भरत भावी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवनु मरनु, जस अपजसु विधि हाथ। राजा बोला, तुलसी भैया, रत्ना भौजी भी आई हैं। मैंने कहा, राजा उनसे कहो कि जिन भगवान श्री राम के दर्शन उन्होंने मुझे कराए हैं उनकी ही शरण लें। कुटिया के उस पार से एक परिचित स्वर सुनाई दिया, मेरे आराध्य तो आप हैं स्वामी, आपकी तपस्या में विघ्न डालूं ऐसा तो मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकती, बस एक वचन दीजिए। मैं मौन रहा, रत्ना का स्वर गूंजा, वचन दीजिए स्वामी कि मृत्यु के समय आपके श्री मुख का दर्शन कर सकूं, आपके ही हाथों गंगा जल और तुलसी दल पा सकूं। मैंने कहा, जो राम जी की इच्छा, बाहर से ही प्रणाम करके चली गई वो देवी, बड़ी महान थी रत्ना, सभी रूपों में देखा था मैंने उसे, कभी माँ पार्वती माँ कौशल्या तो कभी माता जानकी, सच कहूं तो मुझसे बड़ी तपस्या तो रत्ना की है। दीन दयाल बिरदु समभारी, हरहु नाथ संकट भारी। मेरी जीवन गाथा बड़ी विचित्र है, मेरे पास सब कुछ था और मेरे पास कुछ भी नहीं था। राम जी ने सारी संपदा दी थी और राम जी ने ही भिखारी बनाया था। एक दिन टोडर भाई आए, कहने लगे,
तुलसी भैया, सुना है आपको भगवान ने चित्रकूट में दर्शन दिए थे। मैं हंस पड़ा। हरि अनंत हरि कथा अनंता। अरे भैया, तब हम राम घाट मा रहिन, राम लला और लखन लला घोड़े पे सवार हमार सामने से निकले, पर मूढ़ की मति देखो, पहचान न सके अपन आराध्य को, बस मंत्र मुग्ध हो निहारते रहे। बाद में बजरंग बली कहिन, का हो तुलसी भैया, दर्शन भैला। हम बहुत पछताए, तो बजरंग बली ने सांत्वना दी कि कल प्रातः फिर दर्शन होंगे। प्रातः काल उठकर विग्रह के श्रृंगार के लिए चंदन घिस रहे थे कि भगवान बाल रूप में पधारे। हमसे आके कहने लगे, बाबा हमका चंदन दे दो। अरे हम तो पहचान ही ना पाते, वो तो बजरंग बली ने तोते का रूप धरा और वृक्ष पर चढ़कर ये दोहा गाने लगे। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुबीर। प्रभु ने चंदन लेकर अपने माथे पे और हमारे माथे पे लगाया। भगवान की अद्भुत छवि निहारी तो अपनी सुध बुध भूल गए हम। सुनते सुनते टोडर भाई के नयन भर आए, कहने लगे, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखेऊ नयन राम कर दूता। इधर काशी के पंडितों का एक वर्ग अपना षड्यंत्र रच रहा था। दो चोरों को भेजा हमारी मानस चुराने। वो दोनों जब आए तो देखा कुटिया पर दो धनुर्धारी पहरा दे रहे हैं। सुमति हुई और दोनों राम जी के भगत बन गए। ये सूचना जब टोडर जी तक पहुंची तो उन्होंने कहा, गोस्वामी जी, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय श्री रामचरित मानस की प्रतियां बनवानी होंगी। मैं क्या कहता, मानस की प्रतियां तैयार होने लगी। काशी के पंडितों का एक और दल आया, कहने लगा, हमें आपकी रामायण का परीक्षण करना है। श्री मधुसूदन सरस्वती आपकी रामायण पर अपनी टिप्पणी देंगे। मैंने कहा, अहो भाग्य। श्री मधुसूदन सरस्वती ने रामायण का पारायण कर उस पर अपनी सम्मति दी। इसी काशी रूपी आनंद वन में तुलसीदास तुलसी का चलता फिरता पौधा है। उसकी कविता रूपी मंजरी बड़ी सुंदर है, जिस पर श्री राम रूपी भंवरा सदा मंडराता रहता है। हमको काशी में एक कष्ट बड़ा सालता था। लोग जब तब आते और ज्योतिष का प्रश्न विचारते हमसे। मैंने टोडर भाई से कहा तो कहने लगे, अब आप हैं ही इतने बड़े ज्योतिषी, लोग तो आएंगे ही। पर भैया, इससे हमारी साधना में बड़ी बाधा पहुंचती है। संझा में आए बजरंग बली तो उन्होंने उपाय सुझाया, एक काम करो, श्री रामचरितमानस की 9 चौपाई लेकर एक राम शलाका बनाओ, ताकि अनंत काल तक लोगों को अपनी दुविधा में समाधान मिल सके। होई ही सोई जो राम रथी राखा,
पोखरी तरक बढ़ावही साखा। कुछ दिनों बाद पूरे शरीर में गिल्टियां उभर आईं, बड़ी मर्मांतक पीड़ा होती थी। बजरंगबली भी कई दिनों से नहीं पधारे थे। उस दिन जब संझा में पधारे तो मैंने कहा, बजरंगबली अब कौन सी अग्नि परीक्षा ले रहे हो, पूरा शरीर पीड़ा की अग्नि में जल रहा है। तो कहने लगे, तुलसी भैया तुमने श्री रामचरितमानस लिखा सो मन में थोड़ा अहंकार भी आया, ऐसा करो विनय पत्रिका की रचना करो, भगवान श्री राम के प्रति विनय का भाव जागेगा तभी कष्टों से मुक्ति संभव है। बजरंग बली का आदेश तो मानना ही था। राम जी और माता जानकी को स्मरण कर पुनः लेखनी उठाई, भोजपत्र के ऊपर श्री राम नाम अंकित कर शीर्षक लिखा, विनय पत्रिका। पावन प्रेम राम चरण कमल जनम लाहू परम, पावन प्रेम पावन प्रेम पावन प्रेम राम चरण कमल जनम लाहू परम, राम नाम लेत होत राम नाम लेत होत सुलभ सकल धर्म, पावन प्रेम पावन प्रेम पावन प्रेम राम चरण कमल जनम लाहू परम पावन प्रेम। अचानक काशी नगरी में महामारी फैल गई। एक दिन का तेज ज्वर आता और प्राण पखेरु उड़ जाते लोगों के। गंगाराम आए, कहने लगे, तुलसी भैया चलो भाग चले काशी से। मैंने कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा गंगाराम जी। बहुत मनौती करने के बाद वो लौट गए। मैंने रामू को बुलाया, जी गुरुदेव। अरे जा तो जा के सब अखाड़न से युवकों को बुला ला। 10-12 युवक आ गए तो मैंने कहा, आप लोगन का सहयोग चाहिए। उनका मुखिया था मंगल, बड़े जीवट वाला लड़का था। कहने लगा, आदेश करिए गुरुदेव, आप सब फैल जाइए काशी में, जहां जहां गंदगी हो सफाई करें, कोई वृद्ध या वृद्धा अस्वस्थ हो तो यहां ले आए उपचार हेतु, जितने भी शव मिले उनके दाह संस्कार की व्यवस्था हो, और घोषणा करते चलिए कि जिन जिन घरों में रोग की छाया है नीम के पत्तों का धुआं करें। मैं भी निकल पड़ा युवकों के साथ, प्रेरित होकर और भी युवक साथ हो लिए। कुछ क्रोधित माता पिता भी आए, कहने लगे, ई महामारी के समय जब लोग काशी से भागत हैं, हमार लड़का बचुआ की जान काहे मौत के मुंह में ढकेलत हो गुसाई। मैंने कहा, कुछ नहीं होगा किसी को राम जी की कृपा से, और फिर बजरंग बली जिनके साथ हो उनसे तो काल भी डरे हैं। और सचमुच किसी को कुछ ना भया, काशी नगरी का जीवन एक बार फिर लौट आया। संकट मोचन हनुमान ने एक बार फिर अपने तुलसी की लाज रख ली। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो, बाल समय रवि बख्शी लियो तब तीन हूँ लोक भयो अंधियारो,
ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहु सो जात न टारो देवन आनी करी बिनती तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो। समय का पहिया अपनी गति से चल रहा था, आयु बढ़ रही थी, पर राम भक्त मन दिवस रात्रि बस उनका ही नाम रटता रहता। एक दिन स्वप्न में रत्ना को देखा, कह रही थी, अपना वचन याद है ना स्वामी। आंख खुल गई, रामू को लेकर चल पड़ा राजापुर। पहुंचते पहुंचते दिन ढल गया था, नदी पार करके उतरा ही था कि राजा भगत मिल गए। कहने लगे, तुलसी भैया, हमरी रत्ना भौजी बड़ी तपस्विनी है, जो आप ठीक समय पधारे। जल्दी चलो तुलसी भैया, तोहार दर्शन के लिए प्राण अटके हैं भौजाई के। मैं चल पड़ा अपने पुराने घर को, कितने बरसों के बाद आया था मैं। एक ही क्षण में पूरा गृहस्थ जीवन मानो आंखों के सामने तैर गया। अंदर पहुंचा, दिया जल रहा था, रत्ना आंखें मूंदे पड़ी थी। मैंने कहा, रत्ना आंखें खोलो, मैं आया हूं। रत्ना की बूढ़ी आंखों ने उस टिमटिमाते प्रकाश में मुझे देखने का प्रयास किया। तुमने वचन से बांधा था रत्ना, सो आया हूं। रत्ना अपनी सारी शक्ति जुटा के बोली, नाथ, इस जन्म में तो आप राम जी की सेवा में रहे, अगले जन्म में अपनी रत्ना की सेवा पाइएगा। वो मुस्कुराई। मैंने कहा, शांत हो जाओ रत्ना। तो कहने लगी, अपना ध्यान रखिएगा स्वामी, मैं तो जा रही हूं तारापति के पास। बड़ी अभागन हूं मैं, न अच्छी पत्नी बन सकी, न अच्छी मां। मैंने कहा, नहीं रे पगली, तू तो देवी स्वरूपा है, तूने तो मुझे भगवान के दर्शन कराए। और जिसे तू दुख कहती है ना रत्ना, वही तो तेरा तप है। अब मन में धीर धारण कर और बोल, सीता राम सीता राम। रत्ना के मुख से अस्फुट स्वर निकला, सीता राम सीता। और धीरे धीरे उसकी देह निष्प्राण हो गई। क्षितिज जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अध शरीरा। रत्ना का अंतिम संस्कार कर फिर काशी लौट आया। अब मन सचमुच विरक्त हो चला था। हनुमान घाट छोड़ अब असी घाट में रहने लगे हम। आयु भी बढ़ रही थी,
टोडर भाई आते, गंगाराम आते, युवक आते परामर्श लेने। मैं भी दिन भर राम चर्चा में ही मन को रमाए रखता। राम के इस सेवक की कीर्ति फैली तो अकबर के दरबार के सेनापति अब्दुर रहीम खान खाना पधारे। बड़े विद्वान थे, इतनी सुंदर कविता करते कि मन बांध लेते। उनसे ही बरवय छंद में लिखने की प्रेरणा मिली। कहने लगे, तुलसीदास जी, आपके जैसे महान कवि को तो राजाश्रय मिलना चाहिए। मैं हंस पड़ा, अरे रहीम भैया, जिसे रामाश्रय मिला हो वो राजाश्रय लेकर का करेगा। वो सूरदास जी ने कहा है ना, जिन मधुकर अंबुज रस चाख्यो, जिन मधुकर अंबुज रस चाख्यो, क्यों करील फल खावे। सूरदास प्रभु कामधेनु तज सूरदास प्रभु कामधेनु तज छेरी कौन दुहावे। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख, अनत कहाँ सुख, अनत कहाँ सुख पावे। काशी के पंडितों को अभी भी शांति नहीं मिली थी। उनका एक दल आया, कहने लगा, हमें आपकी रामचरितमानस का परीक्षण करना है। मैंने कहा, जो आज्ञा। श्री रामचरितमानस की प्रति को ले जाया गया। काशी विश्वनाथ के मंदिर में सबसे नीचे मानस, फिर पुराण, फिर सारे शास्त्र और सबसे ऊपर चारों वेद रखे गए। मैं अपनी कुटिया में बैठा बैठा विनय पत्रिका के अंतिम पद रच रहा था। भोर भई, गंगा जी में स्नान करके घाट पर पांव धरा ही था कि देखा सारे विरोधी पंडित सामने खड़े हैं। मैंने कहा, का बटे सर भैया, हुई गई आप लोगन की परीक्षा। बटे सर रोते रोते गिर पड़ा चरणों पे। तुलसी भैया, हमका क्षमा कर दो, हम मूरख तुमको पहचान ना सके। तुम सच्चे महात्मा हो। आज सुबह जब बाबा के मंदिर के पट खुले तो तोहार माना सबसे ऊपर रखी पाई गई। हमका क्षमा कर दो तुलसी भैया, नहीं तो हमका नरक में भी जगह ना मिली। मैंने उन सबको गले से लगा लिया। भगवान राम का भक्त था मैं, हमरे राम जी ने भी तो सबको गले से लगाया। ऐसे राम दिन हितकारी, ऐसे राम दिन हितकारी, अति कोमल करुणा निधान, बिनु कारण पर उपकारी। ऐसे राम दिन हितकारी, ऐसे राम। हम भी क्या क्या बोल गए पता नहीं। अब जौन कुछ ऊंचा नीचा बोल गए हो तो मन में मत रखिएगा। हमार भाग भिखारी का भाग, अधिक सुख सहन नहीं होता हमसे। जहां सुख मिला वहीं से भाग आए हम। गिरस्त बने तो वहां से भी भाग आए। अरे हां, स्मरण आया, हमको एक बार पकड़ के एक मठ में गोस्वामी बना दिए। खूब दूध रबड़ी मलाई खाई छक्के। फिर वही, जहां सुख मिला भागे तुलसीदास।
वैसे अनुभव की बात है भैया, गांठ में धर लोगे तो काम आएगी। राम जी से नेह लगाना हो ना तो ये सब प्रपंच छोड़ना होगा। ये सब सुख समृद्धि में राम जी बिसर जाते हैं। वो जब भगवान कृष्ण ने कुंती मैया से कहा ना कि मांगो बुआ, जो भी वरदान मांगना है मांगो, तो कुंती मैया ने कहा, यही वर दो कृष्ण कि सदा कष्ट में रहूं। कृष्ण ने कहा, यह क्या वर मांगा बुआ? तो बोली थी कुंती मैया, वासुदेव, कष्ट में रहूंगी तो सदा तुमको स्मरण करती रहूंगी। का बोले भैया, कुछ बोले का? हम देखा ही बात तो सच है कि हम बकबक बहुत करत हैं, का करें, कथावाचक रहे, अब स्वभाव तो छूटेगा नहीं। तो चलने से पहले आपको बता दें कि भक्ति करनी हो तो मन में असीम प्रेम और श्रद्धा धारण करिए, जैसे हमार बजरंग बली ने की। एक बार आपका राम जी से नेह लगा ना तो फिर राम जी आपका आदेश मानने लगेंगे। हमरे राम जी ने तो शबरी के जूठे बेर खाए, केवट को तारा, यहां तक कि राक्षस कुल में जन्मे विभीषण को भी गले से लगाया। माननी हो भैया तो ही बुढ़ऊ की बस एक बात मान जाओ, भगत बन जाओ। अरे भक्ति में बड़ी शक्ति है। एक रहस्य की बात बताऊं, हमरे राम जी के उतने मंदिर नहीं है जितने बजरंग बली के हैं। अरे लो, ई बताना तो भूले ही गए कि कब छोड़े ई संसार। श्रावण कृष्ण तृतीया संबत 1680 असी घाट में हमार मुक्ति भई। ए मनसुखा, ये मनसुखा आज बताए रहा कि तुलसी भैया हमरी रत्ना भौजी ठीक एक बरस पहले यही दिन सुरक्ष धारी थी। सांच कहूं तो आप लोगन से मिलने के लोभ में आ गया था। राम जी से कहिन के प्रभु बस एक दिन दे दो तो जाए कि मिलाए अपन सब राम रसिक भाइयों से, और बजरंग बली से भी मिलना हुई जाए। अरे आप तो जानते होंगे यहीं तो रहते हैं बजरंग बली, हमरे बचन में बंधे हैं बिचारे। अब हर दिन कहीं ना कहीं रामायण का पाठ तो होता ही है, सो बिचारे यहीं जमे हैं। अच्छा तो ही बुढ़ऊ को अब आज्ञा दीजिए, खूब प्रेम से रहिए, जो मिले उसी में संतोष करिए, और अगर समय मिले तो राम जी का नाम ले लीजिए। वैसे हमने सुना है कि आप लोगन के पास समय बिल्कुल नहीं है। अच्छा तो कहा सुना क्षमा करिएगा। जय राम जी की। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सो दशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय राम जय जय राम जय जय राम सीता राम, जय जय राम जय जय राम।
जय राम जय जय राम सीता राम जय जय राम जय जय राम सीता राम जय जय राम जय जय राम सीता जय जय राम सीता राम जय जय राम जय जय राम।